हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके लास्ट 5 डेज प्लान पर। हम बात करने वाले हैं कि आपके पास अभी 5 दिन बचे हैं, तो आपके पास ये जो लास्ट 5 डेज का आपके लिए क्या प्लान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास अब जो वीडियो आएंगे कैसे आएंगे, फास्ट ट्रैक मोड में आएंगे वो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और आपका क्या हो जाए, उसी समय आपको पूरा पॉइंट याद हो जाए। और आपको क्या करना है, ये फास्ट ट्रैक पैटर्न में वीडियो रहेगा, मतलब इसमें जो उस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातें होंगी उस पर आपका पूरा के पूरा फोकस कराया जाएगा। साथ ही साथ ये जो पैटर्न रहेगा कैसा रहेगा, मैराथन पैटर्न रहेगा। अब इस मैराथन की जो लेंथ रहेगी ना, वीडियो की लेंथ टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक छोटा है तो 20 मिनट भी हो सकती है, और अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो 45, 50 और 55 मिनट भी हो सकती है। तो इस तरह के वीडियो होंगे आपके लिए कि पूरा पूरा आपका जो टॉपिक पर कॉन्सेप्ट डेवलप करा दिया जाएगा, और उसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने चाहिए वो आपको बता देंगे। फिर आपको कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में रिवाइज करके जाना रहेगा वो भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। तो जो भी अभी वीडियो आ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये सारे के सारे वीडियो देखना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि देखिए, 1 से 2 वीडियो में या ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियो में आपका एक पूरा के पूरा जो चैप्टर है वही कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, सेकंड बात आती है पॉइंट 2 पर रिविजन की। तो देखिए, रिविजन आपको दो प्रकार के रिविजन आपको करना है। दो प्रकार के रिविजन कौन कौन से, एक जो आपने देखिए पहले पढ़ लिया है, पहले जितना भी आपको हमने पढ़ा दिया है उसका आपका रिवीजन करते रहना है आपको। ठीक है, जो ओल्ड आपको जितना पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करना है। सेकंड, जो भी न्यू आ रहा है तो न्यू में तो आपको क्या करना है, किस पैटर्न पे रिवीजन करना है, न्यू का रिवीजन करने का तरीका क्या है। वीडियो आया, आपने क्या करा, वीडियो को देखा, हाथों हाथ आपके पास पीडीएफ में नोट्स भी, वही नोट्स आपको दे दिया जाता है जो हम पढ़ाते हैं, सिमिलर नोट्स आपके पास रहता है, उसमें से आपको जो बिंदु महत्वपूर्ण हमने बताए हैं उसका रिवीजन कर लेना है। जो बिंदु आपको भी लगता है कि ये आईएमपी है तो आप उसको भी हाथों हाथ याद कर लेना, और इस तरह जो आपका नया जो भी पढ़ाया जा रहा है आपका, इस तरह से नया आपका कवर हो जाएगा। आपको ये जो डाटा का रिटेन रखना है, केवल 5 दिन आपको डाटा रिटेन रखना है और आपकी 5 दिन में हो जाएगी एग्जाम कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करना है, जो ओल्ड है उसका आपको रिविजन करते रहना है। जो न्यू वीडियो आएगा, वीडियो देखा आपने, वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आईएमपी बिंदु हमने बताए वो भी पढ़ लेंगे, जो बिंदु आपको आईएमपी लगते हैं वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि नोट्स डिटेल्ड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। और ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इस 5 दिन के लिए आपको स्पेशल तैयारी रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, टाइम सेट पर। तो टाइम सेट में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अब आपके पास 5 दिन है तो आपको आपका एक पूरा के पूरा क्या कर लेना है, रूटीन फिक्स कर लेना है। कैसा रूटीन, जैसा आप एग्जाम वाले दिन रखना चाह रहे हैं वैसा रूटीन आपको फिक्स रखना। जैसे आपकी एग्जाम मॉर्निंग में 9 बजे से है, 9 से 11:30 में आपकी ये देखिए एग्जाम है, ये 9 से 11:30 के बीच में आपकी क्या है, एग्जाम है, ये कॉमर्स की है। ठीक है, कब है, 5 मार्च को। तो अब आपको क्या करना है, आपको वही आपका इन आज से लेकर एग्जाम तक आपको पूरा के पूरा एक आपका रोड मैप बना लेना है कि मैं इतनी बजे सोऊंगा, इतनी बजे रोज उठ जाऊंगा, इस तरह से मैं पढ़ूंगा। ठीक है, इस तरह का आपको पूरा पूरा आपका एक टाइम सेट करके रख लेना है। अब बात करते हैं कंपलसरी पेपर पे। तो देखिए, ये 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स को भी हमने 2 पार्ट 3 कैटेगरी में बांटा था। एक कैटेगरी में थी आपका पेडोगोजी प्लस हिंदी जो कि आपका 18 मार्क्स है, एक में है आपका इंग्लिश जो कि आपका 5 मार्क्स का है, और एक आपका बचता है जीके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो ये आपका पूरा के पूरा है 7 मार्क्स का। इस तरह 30 मार्क्स है आपके पास। तो इसमें मुख्य रूप से हिंदी और पेडागोजी पर हमने आपको बार बार कहा है कि आपको फोकस रखना है। अभी भी हम यही कहेंगे कि हिंदी और पेडागोजी जितना हो सके, जितना आप देख सकते हैं साइड में, जरूर देखकर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर नंबर निकालना कैसा है, आसान है। साथ ही इंग्लिश में अगर आप कुछ भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो ओल्ड 2018 वाले पेपर हैं उन्हें ही आप देखकर चले जाइए, ताकि आपको
ये पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये जीके न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग ये बहुत बड़ा पोर्शन है, अगर आपने इस पे कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर एग्जाम वाले दिन ही आप इसको देख लेना, जो जो क्वेश्चन आपसे बने उन्हें सॉल्व कर लेना, जो नहीं बने तो आप उन्हें भी सॉल्व कर देना। क्यों सॉल्व कर देना? क्योंकि आपकी एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो हट चुकी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है, ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पर, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए, सबसे पहले बात तो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, मन को पूरी तरह शांत रखिए और कूल एंड काम रहते हुए, रिलैक्स रहते हुए आपको ये पांचों दिन तैयारी करना है। फिर आपका आएगा एग्जाम वाला दिन, वो 5 मार्च, तो उस दिन भी आपको क्या करना है, आपका एक पूरा टाइम सेट करके रखा है आपने, उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में उठ जाना है और टाइमली तैयार हो जाना है आपको। और आपको स्पेशली क्या करना है, स्पेशली आपको एग्जाम वाले दिन कि आपको नाश्ता वगैरह हेल्दी नाश्ता करके ही एग्जाम देने जाना है, ठीक है। हेल्दी नाश्ता आप करेंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। और आपको ये पांचों दिन ये आदत रखनी है आपकी कि एक टाइम सेट कर लीजिए कि इस समय आप आपका ब्रेकफास्ट लेते हैं, बस आपको एग्जाम वाले दिन भी आपको आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर जाना है। मतलब नाश्ता तो करना आपके लिए जरूरी है, मस्ट है ये, क्योंकि एग्जाम में एनर्जी का कंजम्पशन हायर होता है, तो अगर आप नाश्ता वगैरह करके जाते हैं तो आप एनर्जेटिक रहते हैं और आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के अगले क्वेश्चन पे स्विच हो जाते हैं, ठीक है। नाश्ता करके जाना, हेल्दी नाश्ता करके जाना और थोड़ा ज्यादा नाश्ता करके जाना, ठीक है। तो ये हो गई एग्जाम की बात पर। और एग्जाम में जो पीवी जो आपका ये बोर्ड है, इसने जो जो एम्प्लॉई सिलेक्शन बोर्ड, इसके अंदर एक आते हैं आपके डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि आपको उस दिन क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लेकर आना है, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर रखा था उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना, आधार भी ओरिजिनल लेके चले जाना, और आपको फोटो वगैरह जो भी लगाने की रिक्वायरमेंट हो वो सब आपको लेके जाना। इसकी जो भी निर्देश दिए थे वो सारे के सारे निर्देश एक बार जरूर पढ़ लेना और सारी चीजें लेकर जाना, ठीक है। और आपको क्योंकि वेरिफिकेशन आईडी में सारी चीजें मांगी जाती हैं, तो इसलिए डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सब लेके चले जाना और जो भी उसके एक बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन इंस्ट्रक्शन को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। और विजय एकेडमी के पूरे हम सब लोग आपके साथ बने हुए हैं, कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए वीडियोज लेकर आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छे मोटिवेट रह के तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है? मोटिवेट रह के तैयारी करना है। और ये 5 दिन है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और आपका एक और काम क्या रहेगा, 5 को आपकी एग्जाम है, तो देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास कॉल आए हैं कि किसी को 300 किलोमीटर दूर उनका सेंटर दिया है, तो किसी को 400, तो कोई 450 किलोमीटर तक दूर दूर एग्जाम सेंटर्स आए हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही आपको उस सिटी में पहुंच जाना है और कोशिश करिए कि आपके साथ अगर कोई जा रहा है आपका फैमिली मेंबर, तो उसको वहां पर वो भी चेक करवा लीजिएगा कि आपका वो कौन सा वो सेंटर है, कौन सा मतलब कौन से कॉलेज वगैरह में आपका या कहां पर आपका सेंटर आया, जहां पर आपकी एग्जाम होनी है वहां आप उसे पहले ही विजिट कर लेना, ताकि आपको मॉर्निंग में डायरेक्ट सेंटर पर ही जाना है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो 9 बजे से है, तो बहुत कम टाइम है मॉर्निंग में आपके पास। इसके लिए आप पहले ही विजिट कर लेना। आपकी एग्जाम 9 बजे से 11:30 तक है, ये तो आपका हो गया एग्जाम टाइम, ठीक है। इसमें तो आपका पेपर ही होना है। और जब भी आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती है तो इससे 1 घंटे पहले आपको सेंटर में एंट्री रहती है, मतलब वो 8 या 8:15 से आपकी एंट्री शुरू कर देते हैं और 9 बजे तक एंट्री लेते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से वो एंट्री यहाँ भी 8:50 पर ही बंद कर देते हैं, मतलब 8:15 या 8:10 से वो एंट्री है, मतलब आपको अंदर बुलाना चालू कर देते हैं और 8:50 तक लेते हैं, फिर इसके बाद भी ले लेते हैं क्योंकि 9 बजे तक का टाइम है। पर आपसे मेरी यही सलाह है कि इस ड्यूरेशन में तो वो आपको क्या कर लेते हैं, आपके उनका जो सेंटर है उसके प्रीमाइसेस के अंदर आपको ले लेते हैं और आपको आपका जो जगह है वहां पर अलॉट कर देते हैं, बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना, अच्छे से कूल काम रिलैक्स रहते हुए 5 दिन पढ़ना, और जो जो वीडियो आते जाए वो देखते जाना, जो पहले पढ़ा दिया उसका रिविजन कर लेना, जो वीडियो आए उसका भी आप क्या कर लेना, रिविजन करते जाना, हाथ ही हाथ वीडियो देखा और हाथों हाथ रिविजन कर लिया,
ठीक है, पूरे की पूरी एक आपका रूटीन सेट कर लीजिए इन 5 दिन के लिए, जो आप एग्जाम वाले दिन रखना चाह रहे हैं सेम टू सेम रूटीन फिक्स कर लीजिए। कंपलसरी पेपर को पढ़ते रहना, हिंदी पेडोगोजी जरूर देख जाना, इंग्लिश अगर ना देख रहे देख के जा रहे हो तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2018 के उन्हें देख लेना। और एग्जाम आपकी 5 मार्च को मॉर्निंग में है, 5 मार्च को सुबह 9 बजे से है, तो उस दिन के पास आपके पास कोई भी टाइम आपको सुबह नहीं मिलेगा, इसलिए आपका जो सेंटर है वहां पर एक दिन पहले ही विजिट कर लेना, और 9 बजे से तो आपका एग्जाम है तो उससे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना, और पूरी तरह कूल काम और रिलैक्स रहते हुए मोटिवेटेड रहते हुए तैयारी करना, और फाइनली एग्जाम वाले दिन भी नाश्ता वगैरह करके जाना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।